एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड दर्शन और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करेंगे कि हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जी ने इस साल और अगले साल दोनों ही सालों की गांधी जयंती की डेट अपने फिल्मों के लिए लॉक करके रख ली हैं। और ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद अपनी इस साल आने वाली फिल्म जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, स्टारिंग टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन, स्टारिंग डांस फिल्म, ये इस फिल्म को रिलीज करेंगे। तो वहीं अगले साल 2 अक्टूबर को सिल्वेस्टर स्टेलन की रॉम्बो का हिंदी रीमेक आएगा, जिसमें भी टाइगर लीड रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। 2 साल पहले दोस्तों आपको बता दें कि 2 साल पहले कैंस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। ये फिल्म पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स के कारण इस फिल्म को टाल दिया गया था। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अगले साल ये फिल्म हिट भी करेगी ऑन द फ्लोर। और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस रैम्बो फिल्म का हिंदी रीमेक, जिसमें आपको टाइगर श्रॉफ नज़र आने वाले हैं, ये फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। और दोस्तों, आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड दर्शन फॉर मोर अपडेट्स।